आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखिए सवाल में क्या दिया है यहाँ पे, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, लेट आई एन इक्वल्स इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, पाई बाई टू माइनस मॉड एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फोर, वेयर बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए हमें क्या है, इस इंटीजर की वैल्यू निकालनी है आई वन, आई थ्री और आई फोर की, और उनका बॉक्स लेना है। तो पहले आई एन देखते हैं, वो क्या है, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, पाई बाई टू माइनस मॉड एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब ये जो अंदर फंक्शन है, हम इसे एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं अभी के लिए, और इसे देखते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, पाई बाय टू माइनस मॉड एक्स इंटू कॉस एन एक्स। अब इसमें हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस मॉड माइनस एक्स कॉस माइनस एन एक्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मॉड है तो अंदर माइनस जो है वो चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा मॉड एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, तो ये भी ऐसे ही रह गया। तो इससे हमें क्या मिला कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन कैसा हुआ, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स, इसे हम टू टाइम्स इंटीग्रेशन ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, अगर ये एक इवन फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो फंक्शन है ये पूरा इवन फंक्शन है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं अभी, आई एन इक्वल्स टू टाइम्स इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाए, पाए बाय टू माइनस मॉड एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिए कि मॉड एक्स जो है ज़ीरो टू पाए ये पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स को हम डायरेक्टली एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, ज़ीरो टू पाए, टू टाइम्स पाई बाई टू यानी पाए, माइनस मॉड एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, तो हो जाएगा टू एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो अब हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं, आई एन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाए, पाए कॉस एन एक्स माइनस टू टाइम्स इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाए एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो जाएगा, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स बाय एन फ्रॉम ज़ीरो टू पाए, माइनस जो ये वाला है हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमने पहले एक्स को कांस्टेंट रख दिया, और कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वन हो जाएगा, और साइन एन एक्स बाय एन का इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाए। ठीक है, तो अब इसमें हम अपर लिमिट डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, साइन एन पाए बाय एन माइनस साइन ज़ीरो बाय एन, और ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन एन एक्स बाय एन माइनस साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एन एक्स बाय एन, सॉरी माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर, ये भी ज़ीरो टू पाए है। तो देखिए साइन एन पाए, ये एन इंटीजर है, वन टू थ्री हो सकता है, तो साइन एन पाए तो ज़ीरो होता है, और ये ज़ीरो ही है, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। अगर बचेगा इसमें हम लिमिट चलेंगे, तो पाए साइन एन पाए बाय एन प्लस कॉस एन पाए बाय एन स्क्वायर माइनस अपर लोअर लिमिट डाला तो ज़ीरो प्लस, ये भी माइनस ही रहेगा, कॉस ज़ीरो बाय एन स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन एन पाए फिर से ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस टू टाइम्स कॉस ज़ीरो वन होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एन पाए बाय एन स्क्वायर माइनस वन बाय एन स्क्वायर। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, टू बाय एन स्क्वायर वन माइनस कॉस एन पाए। तो हमारे पास आई एन जनरल क्या आ गया, टू बाय एन स्क्वायर वन माइनस कॉस एन पाए, ये हो गया हमारा जनरल आई एन। अब हमें आई वन, आई थ्री और आई फोर ढूंढना है, तो आई वन क्या हो जाएगा, टू इंटू वन माइनस कॉस पाए, कॉस पाए माइनस वन होता है, तो हो जाएगा टू इंटू वन प्लस वन यानी फोर, आई वन मिल गया। अब आई थ्री देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, टू बाय नाइन
इंटू वन माइनस कॉस थ्री पाए, कॉस थ्री पाए भी होता है माइनस वन, तो हो जाएगा 2/9 इंटू वन प्लस वन यानी कि 4/9। आई फोर निकालते हैं, आई फोर हो जाएगा 2/16, वन माइनस कॉस फोर पाए, कॉस फोर पाए वो वन होता है, तो 2π इंटू वन माइनस वन यानी कि 0। तो देखिए कॉस एन पाए जो है ये अगर एन ऑड हुआ तो माइनस वन होता है और एन इवन हुआ तो प्लस वन होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फोर का बॉक्स निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ 4 प्लस 4/9 प्लस 0। तो बॉक्स में हम सिर्फ इंटीजर कंसिडर करेंगे और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है जो 1 से कम है हमारा फ्रैक्शन ये, तो इसमें इंटीजर जो बचेगा वो है 4। तो इससे हमें क्या मिला कि बॉक्स ऑफ आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फोर की वैल्यू 4 है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।